अरे ऊपर कर दो, ये इधर लग गया थोड़ा। तो ये वाला फ्रेम से नहीं निकाल के ये वाला ग्लास निकाला मैंने। हाय गाइस, दिस इज गोरखे अभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोरखे अभी गोरखे अभी गोरखे अभी गोरखे अभी। एंड टुडे आप लोगों को तो मेरा थंबनेल देख के मालूम पड़ गया होगा, टाइटल देख के मालूम पड़ गया होगा। आज मैं जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन बोलेगा तो कोविशील्ड लेगा, क्योंकि कोवैक्सीन वाला उतना वैलिड नहीं है। क्योंकि एक्चुअली मैं ये क्यों करने जा रहा हूँ बोल के आप लोगों को बोलता है कि एक्चुअली मैं क्रूज़ पे ज्वाइन करने वाला है, मे बी अगस्त, लास्ट ऑफ अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक। सो इसके लिए मैं कोविड शील्ड भी लगाने का, बाद में मेरा चश्मा भी टूट गया था लास्ट टाइम, मेरे को मेडिकल भी करने का, तो एक्चुअली उसके लिए मेरे को चश्मा भी बनाने का उसके बाद, और मेरा डेंटल रिपोर्ट भी बनाने का, मतलब मेरा दांत वात कुछ खिया हुआ रहेगा तो उसको भी ठीक करने का। इसके लिए मैं आया है अभी मिलने के लिए शिशु को। शिशु इधर देखना। हाय भाई। ये अपना शिशु भाई, अपना साथ से काम करता है। अरे अपने लिए खाना बना रहे, देखो इधर क्या बना रहे भाई। पनीर, पालक पनीर बना रहे। अभी देखो रेडी है। हाँ बनाया, पर ये अभी ये बनाएगा, बाद में हम लोग जाएगा, मैं कोविशील्ड डालेगा, उसके बाद इसके पास आएगा, उसके बाद खाना खाएगा। तो मिलते हैं आप लोग को। मुँह से तो निकल रहा है करके। तो अभी इधर से निकलता है, बाद में आप लोगों को मिलता है बाहर। पहले जेरॉक्स करना पड़ेगा वो वाला मेल में, वो जो हाँ व्हाट्सअप कर देने का ना। मेरा आधार कार्ड कितना देने का भाई? कोविशील्ड डालने से पहले अपने को ये मांगता है, ये आपका पहले जाके कोविन में जाके, इधर कोविन करके है ना, इस पर जाके अपॉइंटमेंट लेने का, उसके बाद उधर एक पेज मिलता है उसको डाउनलोड करने का, उसके बाद जेरॉक्स मांगता है बोलता है रिकॉर्ड के लिए, और एक आधार कार्ड। चलो फिर। तो गाइस अभी है मैं रंगा पानी करके कदम तला का थोड़ा बाजू में, अभी इधर से जाता है अपना भाई को मालूम है इधर कैंसर हॉस्पिटल, और ये मेरे को उधर तक छोड़ेगा, बाद में फिर वापस घर जाएगा, इसका भी दोस्त आ रहा है घर पे। तो गाइस एक्चुअली क्या है ना, कोविड शील्ड मैं सोच रहा था कि उधर ही जाके कंपनी तो मार के दे रहा था मेरे को, वो लोग बोल रहे हैं कि अपना डिटेल्स भेजो, सिलगुड़ी में अपना पार्टनर हॉस्पिटल रहेगा तो दे देगा बोल रहा था, मतलब फ्री में। पर अभी क्या है ना, कोविड शील्ड मारेगा तो मेरे को अच्छा है, क्योंकि मैं इधर उधर ट्रैवल करता रहता है। एक्चुअली पर्सनल अपना अपने लिए अच्छा है ना कोविशील्ड का रहा तो। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला हूँ अभी, कि मतलब कोवैक्सीन है ना, कोवैक्सीन बोलेगा तो खाली इंडिया में बना है बोलता है, तो इंडिया में खाली वैलिड रहेगा, और मेरे को तो आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करने का रहता है ना, इसके लिए मेरे को कोविशील्ड मारना ज़रूरी था, क्योंकि कोविशील्ड बोलेगा तो तीन देश ने मिल के बनाया बोलता है। ओके ये रहा मेडिका कैंसर हॉस्पिटल, ओनली कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल इन नॉर्थ बंगाल। तो इधर जा रहे हैं अपन लोग। अच्छा वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये रहा कैंसर हॉस्पिटल, इधर भी भीड़ तो है रे। अरे बाप रे भाई, देख क्या है वो, साइन अप क्या है इतना लंबा है, बहुत लंबा है रे। ये फर्स्ट रूम है ना। हाँ इधर नहीं, मैं क्या बोलता है उसके लिए इधर लाइन है, ये वाला लाइन है, दोनों सेम ही है। तो ये लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने ऑलरेडी लगा लिया है, आधा घंटा बैठा के देखता है, तेरे को कुछ रिएक्शन तो नहीं होता। तो ये लोग थोड़ा इन लोग ऑलरेडी डाल दिए। ओके ओके, तो मेरे को इधर खड़ा रहने का, और ज़्यादा है तो इधर से लास्ट पे है मैं आज। मेरा पीछे कोई नहीं है अभी इधर, और आगे ना इतना लंबा लाइन है ना, क्या बोलेगा किसको। देख सकते आप लोग ऐसा पूरा भरा पड़ा है सब। 780 दे रहे हैं अंकल, 780 देखो कितना उठ रहा है अभी पैसा। अभी तो क्या बोलेगा, मैं सबसे लास्ट में है, इसके बाद क्या मालूम कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं सबसे लास्ट में।
अभी शाम तो हो जाएगा लगता है मेरे को। वालों का भी कोविड शील्ड डाल दिया हमें, और अंदर नर्स लोग को भी बोला था, मैं पूछा था कोविड शील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है बोल के, पर एक्चुअली कोविड शील्ड में बाहर में मतलब वैलिड रहता है, और जो कोविड कोवैक्सीन है ना, कोवैक्सीन खाली इंडिया वाला बनाया था तो इसलिए इंडिया में वैलिड है। रुई उड़ गया भाई मेरा, और थोड़ा पानी भी इधर से मिल रहा है तो पानी पिएगा मैं भी। ओके तो भाई लोग फाइनली ख़त्म हो गया मेरा वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज। ये इधर ये कार्ड है ना, ये लगा है, और वो बोल रहा है कि ऑनलाइन आएगा, वो मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए। ओके कोई बात नहीं। इट वॉज़ वेरी हैक्टिक डे मैन, आई वॉज बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत टाइम लगा दिया ये लोग गर्मी का मौसम में, और बारिश भी होने का है देखो। चलो फिर, चलो भाई लोग ये कोविड शील्ड लगा दिया फाइनली, अभी जाके शिशु का घर पे जाएगा, शिशु के घर पे खाना खाएगा, खाना खा के फिर उधर से निकल जाएगा मैं। ये रहा पार्किंग, पर उसका पार्किंग ऊपर है। चलो भाई लोग थोड़ा अभी खाना पीना हो गया अपना भाई, मस्त करके खाना बना के दिया था, पालक पनीर और क्या था दूसरा, अंडा करी। ओके और अपना इधर अपना दोस्त नया वाला वीना अरे ओके मेरा न्यू सब्सक्राइबर ओके चलो भाई फिर, थैंक यू शिशु। अब मैं एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा बाइक को पीछे से आके ठोक दिया है कि स्कूटी, बोल रहा है कि डॉक्टर है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया उसको, उसका भी थोड़ा शरीर पे लगा है, उसका भी नया स्कूटी था, उसका भी नया स्कूटी ऐसा गिर पड़ा था, इसके लिए मैं जा रहा अभी, मेरा थोड़ा बाइक ठीक करेगा, बाइक ठीक करेगा, उसके बाद मैं फिर जाएगा चश्मा बनाने के लिए, आज डेंटल के पास नहीं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा मैं। ओके आई विल सी यू ऑन द रोड। ओके चलो भाई अभी मैं कदम ताला से निकल रहा है, ये है ये वाला जो है ये एशियन हाईवे, अभी मैं पहुंचने वाला है इधर ही शिव मंदिर। तो ऐसा कर दिया, ये इधर लग गया थोड़ा, इधर भी स्क्रैच हो गया, इधर भी मार दिया थोड़ा। A few inches later. अपना इंडिकेटर हो गया ठीक, इसको नया वाला डालना पड़ेगा, 400 रुपये लग गया, और ये भी स्क्रैच हो गया, इसको क्या करेगा अभी देखता है, अभी इधर से निकलना पड़ेगा मेरे को। तो भाई अभी हम लोग दार्जिलिंग मोड़ पहुंचने वाला है, दार्जिलिंग मोड़ पे अभी मैं दार्जिलिंग मोड़ से लेफ़्ट लेना मांगता है मेरा घर के लिए, पर मैं उधर दार्जिलिंग मोड़ से लेफ्ट घर नहीं जा रहा अभी, अभी मैं दार्जिलिंग मोड़ से लेफ्ट नहीं ले रहा है, मैं जा रहा है सीधा, मैं जाएगा फिर अभी मार्केट, उधर एक पंजाब क्लिनिक करके उधर जा रहे हैं मैं, उधर मैं चश्मा बनाएगा। ओके ये आ गए हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, एयर व्यू मोड। बनाने का मेरे को फ्रेम, मेरे पास एक है आप देखो, आपके पास कौन सा है, एक नॉर्मल वाला पहले बनाया था मैं, व्हाइट है, व्हाइट में एंटी क्लियर ले सकते हैं, 950 का आएगा, जैसे आपको ड्राइविंग करते हैं ना रिफ्लेक्शन का इफेक्ट करते हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी रहता है ना, वाटर रेजिस्टेंट वाला फ्रीजर में आएगा। अच्छा वो फुल डे वाला फ्रीजर का आपको आ जाएगा 3800 समथिंग, उससे भी अगर आप कम में लोगे कीनो आएगा 1850 का, वो ले सकते हो।
वही कर दो, वो नॉर्मल वाला कौन सा था? नॉर्मल चार्ट है क्या ग्लास का? ग्लास का चार्ट नहीं है, एक ब्लू कट ब्लू ले सकते हैं, जो मैं पहनता हूँ ब्लू कट ब्लू रहेगा। हाँ ये नहीं सकते, ये 1450 का आता है, ब्लू कट ब्लू आता है, ये पूरा ऐसे रहेगा, एक भी लाइट पास नहीं होगा इसमें। A few moments later. So this is ये मेरा नया वाला चश्मा है, अभी देखो कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है कमेंट करना नीचे। तो ये वाला फ्रेम से मैं निकाल के ये वाला ग्लास निकाला मैंने, और वाला डाला मैं। हेलो भाई, थैंक यू। और थोड़ा चश्मा पहन के थोड़ा मेरा आँख वापस आया जैसा लग रहा है, थोड़ा फीलिंग हो रहा है अभी। ओके गाइस, चश्मा वश्मा हो गया, चश्मा लाया था मैं इधर से पंजाब ऑप्टिकल करके, अभी नया बनाया तो मेरे को पहचानने को नहीं हो रहा था, पर अभी हो गया थोड़ा। तो कितना दिन के बाद चश्मा पहन रहा है ना मैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब चक्कर आ रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। इधर थोड़ा फ्रेम थोड़ा बड़ा कर दिया मैं। चलो फिर इधर से अभी निकलता है, वैसे भी लेट हो गया, अभी डेंटिस्ट के पास भी जाने का काम था पर थोड़ा अभी लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, कल या परसों करेगा मैं, डेंटिस्ट के पास जाएगा। तो अभी थोड़ा मार्केट से बाहर निकल गया मैं, अभी महानंद ब्रिज आएगा, उसके बाद महानंद ब्रिज से आएगा जंक्शन, जंक्शन के बाद आएगा अपना दार्जिलिंग मोड़, दार्जिलिंग मोड़ के बाद आएगा सालवाड़ी, सालवाड़ी के बाद आएगा सुकना, सुकना के बाद घर पहुँच जाएगा। एक्चुअली आज ना इतना गर्मी था ना शेह क्या बोलेगा, इतना गर्मी में ना ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा था, और एक तो कितना वेट कर रहा है करवाया हॉस्पिटल वाले लोग। चलो भाई, अभी हम लोग सुकना से निकल रहे हैं, अभी टाइम भी हो गया 6:16, अभी इधर से मेरे को ज़्यादा 20-15 मिनट आधा घंटा लग जाएगा।